हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिकुलर डायग्नोसिस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी, तो लास्ट लेक्चर जो हम लोग का था, हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की, और उसके बाद हम लोगों ने जीन थेरेपी की बात करी। आज हम लोग बात करेंगे मॉलिकुलर डायग्नोसिस की। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजीज को ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस करना है और पैथोफिजियोलॉजी डिजीज की पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अर्ली डायग्नोसिस कर लीजिए और डिजीज के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, जो पारंपरिक तरीके चलते चले आ रहे हैं डायग्नोसिस करने के डिजीज के, क्या करते हैं आप, यूरिन एनालिसिस कराते हैं या सीरम टेस्ट कराते हैं। सीरम टेस्ट में TLC DLC ये सब जो आप करा रहे हैं, या यूरिन का आप टेस्ट करा रहे हैं, स्टूल टेस्ट करा रहे हैं, ये सब जो तरीके हैं, इसमें अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल। तो इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरिया का या वायरस का, जब तक सिम्टम नहीं आते तब तक हम लोग को पता नहीं लगता, हम लोग अवेयर उसके बारे में नहीं हो पाते। और अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाए तो, अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे यहाँ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये पूछा जाएगा कन्वेंशनल मेथड से अगर आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, जिसमें कि सीरम टेस्ट आ रहा या ब्लड टेस्ट कह लीजिए या यूरिन एनालिसिस यूरिन टेस्ट कह लीजिए, तो क्या उससे अर्ली डायग्नोसिस डिजीज की पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप क्या करेंगे, आप RDNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन सच एज बैक्टीरिया वायरसेस एट्सेट्रा इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम। तो किसी की बॉडी में आप पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, आपका बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन आपका उम्मीद करते हैं, कब आपको शंका होती कि हो गया, जब सिम्टम्स आ जाते हैं डिजीज के। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी, और जब तक सिम्टम आएंगे, लक्षण आएंगे, तब तक वायरस या बैक्टीरिया जो इसने इन्फेक्शन किया अपने को मल्टीप्लाई करेगा, तो नंबर बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एट द टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अभी सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन सिम्टम्स नहीं आए क्योंकि बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन तो हुआ, अभी उनका नंबर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन आप बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय PCR। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि मल्टीपल कॉपीज हम लोग बना सकते हैं जेनेटिक मटीरियल की, उनके जेनेटिक मटेरियल को किनके, बैक्टीरिया या वायरस के, हम क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं उनकी प्रेजेंस बाय एम्प्लीफाइंग देयर जेनेटिक मटेरियल। एम्प्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, PCR करा लेंगे। कैन यू एक्सप्लेन हाउ PCR कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ DNA, बहुत कम मात्रा में भी अगर DNA है, मतलब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हुआ ही है, अभी ज़्यादा सेल्स नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, तब भी आप उसको PCR से, क्योंकि PCR से मैनीफोल्ड इंक्रीज हो सकता है, अराउंड 30 साइकिल में 1 बिलियन कॉपी बन सकती है जेनेटिक मटेरियल की, तो कम भी है अगर मात्रा बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल की, तो आपने उसको मल्टीप्लीकेशन किया तो आप पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। PCR इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में आप HIV का पता लगाने के लिए, HIV वायरस जिसकी वजह से इन्फेक्शन एड्स इन्फेक्शन हो रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV की प्रेजेंस आप पता लगा सकते हैं PCR करके। PCR इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV प्रेजेंस ऑफ HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। इट इज बींग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट आल्सो। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, PCR का इस्तेमाल कर सकते हैं
पता लगाने में कि भाई म्यूटेशन तो नहीं हो गया। देखिए जीन की सीक्वेंस, ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है उसको आपको उसकी सीक्वेंस पता है, कोई भी जीन है आप जानते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग हो चुकी है, तो जीन जो है उसकी आपको न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जीन का पता है। अब आप इसका मानिए ATCG ये सीक्वेंस है तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना सकते हैं, A के अपोजिट T आना चाहिए, T के अपोजिट A आना चाहिए, C के अपोजिट G, G के अपोजिट C, A के अपोजिट T। अब हमने ये जो जीन है इसका प्रेजेंस लगानी है कि इसमें म्यूटेशन तो नहीं हो गया, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री DNA को हम कंस्ट्रक्ट करके एनीलिंग करने का मौका इससे दे सकते हैं और इसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम इसको टैग कर देंगे। तो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल ये आपने बना लिया जिसको हम लोग प्रोब बोल रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड RNA DNA टैग विद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज प्रोब, उसको हम लोग प्रोब बोलते हैं। अब आपने ये जो सीक्वेंस है ह्यूमन जीन की उसका आपने सिंगल स्ट्रैंड DNA एक बना लिया, तो एक तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना लिया। अब आप इसको मौका दे रहे हैं एनीलिंग करने का, एनीलिंग तभी करेगा, हाइब्रिडाइजेशन तभी करेगा उसके साथ, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना के डबल स्ट्रैंड में बदलेगा जब इसका सीक्वेंस जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी स्पेसिमेन में, तब उसके साथ वो एनीलिंग कर लेगा। और अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन है सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटीरियल, आइदर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज और द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज और द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज। तो अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन में जेनेटिक मटीरियल में DNA हमारा क्या है, पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, आपके नाइट्रोजिनस बेस से, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट मोइटी से। तो नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट मोइटी, फॉस्फेट आपका ग्रुप और साथ के साथ पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट तो वही है, लेकिन अगर नाइट्रोजिनस बेस बदल गया तो हम बोलेंगे म्यूटेशन हो गया। तो अगर ATCG की जगह अब ATGG हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो आपने बेस सीक्वेंस बनाई है वो तो आपको नोन है ना, जीन उसकी बनाई है ना, वो तो सीक्वेंस आपने जो ह्यूमन जीन आप जिसको आप चेक कर रहे हो आपने तो उसकी सीक्वेंस बनाई है, तो ये उसके साथ एनीलिंग नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। तो जब आप ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, रेडियो एक्टिविटी जिसमें है, जब आप उसको एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज करते हैं तो इमेज आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी, क्योंकि इसने इससे एनीलिंग करी नहीं, तो ऑटो रेडियोग्राफी जब आप करेंगे एक्सरे फिल्म एक्सपोज करेंगे तो इमेज नहीं आएगी। इमेज का ना आना इस बात को बता रहा है कि इसमें म्यूटेशन हो गया, अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो एनीलिंग कर लेगा, ये तरीका होता है। तो PCR इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड पेशेंट, इट इज बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन सस्पेक्टेड इन कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट में हम लोग जिसमें आप चेक करना चाहते हैं म्यूटेशन तो नहीं हो गया जीन में, तो जीन में म्यूटेशन चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कर लेंगे ऑटो रेडियोग्राफी, PCR भी करेंगे, PCR करने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी कर लेंगे। इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, और इसकी सहायता से PCR की सहायता से आप क्या क्या कर रहे हैं, HIV पेशेंट में डिटेक्ट कर रहे हैं, एड्स पेशेंट में डिटेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ HIV, जीन के म्यूटेशन को, जीन में म्यूटेशन तो नहीं हो गया वो भी आप चेक कर सकते हैं, साथ के साथ कई जेनेटिक डिसऑर्डर भी आप चेक कर सकते हैं। ये बात समझ में आई, इसको आप याद रख लीजिएगा, सिंगल स्ट्रैंड DNA और RNA टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, सिंगल स्ट्रैंड DNA या कहिए RNA जिसमें कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल आपने टैग कर दिया है, इज फॉलोड बाय हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल्स बाय डिटेक्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो सिंगल स्ट्रैंड DNA और RNA टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसको हम बोल रहे हैं प्रोब। प्रोब को हमने मौका दिया टू हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइजेशन हो जाए टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA कि स्पेसिमेन जो आप दे रहे हैं स्पेसिमेन सेल में, स्पेसिमेन में अगर कॉम्प्लीमेंट्री DNA है तो उसके साथ ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग। अब किया कि नहीं किया उसने उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन, डबल स्टैंड में बदला कि नहीं बदला, ऑटो रेडियोग्राफी से आप चेक कर लेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी पे अगर इमेज आ गई तो आप समझ गए कि इसने उसके साथ बेस पेयरिंग कर ली है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, और डबल स्टैंड DNA में बदल गया। नहीं आई इमेज तो आप समझ गए
कि भाई म्यूटेशन हो गया है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस उसमें थी नहीं। म्यूटेशन हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस होगी नहीं, होगी नहीं तो उसके साथ वो बेस पेयरिंग करेगा नहीं, बेस पेयरिंग करेगा नहीं, डबल स्ट्रैंड डीएनए में बदलेगा नहीं, डबल स्ट्रैंड डीएनए में बदला नहीं, वॉश आउट हो गया। तब आपने उसकी प्रेजेंस को चेक किया तो ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म पे, जब आप ऑटो रेडियोग्राम देखेंगे तो उस पर इमेज नहीं आएगी अगर म्यूटेशन हो गया है। अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो इमेज आ जाएगी। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर। तो वो क्लोन का मतलब जो आप उसकी रेप्लिका बना रहे हैं, फोटोकॉपी बना रहे हैं, सेल जब अपने जैसी सेल बनाता है सेम जेनेटिक मटीरियल, उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। सेल जब डिवाइड होगी, सेल रेप्लिकेट, सेल जब डिवाइड हो रही है, डॉटर सेल, पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है और जेनेटिक मटीरियल सेम है, क्लोन बोलेंगे। लेकिन क्लोन हैविंग द म्यूटेंट जीन, अब म्यूटेशन हो रखा पेरेंट सेल में, म्यूटेशन हो रखा है तो उसकी ये तो बेस सीक्वेंस, आपकी जो टारगेट बेस सीक्वेंस है वो तो नोन है ना आपको। म्यूटेशन में तो कोई भी आ गया, वो सीक्वेंस तो आपको पता ही नहीं है कि क्या हो गया, तो ये उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा आपका प्रोब। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा तो रेडियो एक्टिव फिल्म पे इमेज नहीं आएगी। द क्लोन हैविंग द म्यूटेड जीन विल हैंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद द म्यूटेड जीन्स। म्यूटेशन हो गया जीन के साथ तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी वो मेंटेन ही नहीं हो। एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये भी आपसे पूछा जाता है, एलाइजा टेस्ट किस बात पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी। अब आप किसी की बॉडी में, किसी सेल में आप इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर लो तो अगर तो उस पैथोजन की आपको एंटीजन मिल जाए, इसका मतलब है एंटीजन का मिलना, तो भाई उस पैथोजन का अगर एंटीजन मिल गया तो आपको पता लग गया कि उसका इन्फेक्शन हो रखा है, या सीरम में आपको एंटीबॉडी मिल जाए उसके अगेंस्ट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एंटीजन आया होगा तभी एंटीबॉडी जनरेट हुई है। तो प्रेजेंस ऑफ एंटीजन तो बता रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एंटीजन किस बात का इंडिकेटिव है कि वायरस आ गया या बैक्टीरिया आ गया, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज, या एंटीबॉडीज आपको डिटेक्ट हो जाए सीरम में तो भैया वायरस का इन्फेक्शन हुआ या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, पैथोजन आया उसके एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडी जनरेट करी है। तो एंटीजन की प्रेजेंस या कहिए कि एंटीबॉडी की प्रेजेंस से आप पता लगा लेंगे क्या कि भाई इन्फेक्शन हो गया। तो एलाइजा की सहायता से आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। एलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और किस पे काम कर रहा, प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट कर जाती हैं इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो ये हो गया आपका मॉलिकुलर डायग्नोसिस वाला छोटा सा टॉपिक, लेकिन हैवी वेटेड टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता है। देखते हैं, चलिए पीपीटी पे चलें। तो पीपीटी में आपके पास क्या है, ये सब आप ही की बुक की लाइनें हैं, वही टाइप करी हुई है यहाँ पे, तो एज सच इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो बात शुरू में हम लोगों ने बोली थी कि अर्ली डिटेक्शन कन्वेंशनल मेथड से, जिसमें कि सीरम टेस्ट, ब्लड टेस्ट और ये सब आ रहा, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, उससे पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल किससे है अर्ली डिटेक्शन करना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एलाइजा टेस्ट और पीसीआर, ये तीन चीज़ें आपको याद में रखनी है। आपको क्वेश्चन इस तरह का आता है, आ चुका है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, पैथोजन की प्रेजेंस जब तक सिम्टम नहीं आएंगे आप सस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, जब सिम्टम आ गए तब आप, जब उसके फिर फर्दर आपने रूटीन टेस्ट कराए, जब सिम्टम आ गए तब तक उसका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बॉडी में फैल चुका है कि अब ट्रीटमेंट में दिक्कत होगी। अर्ली ट्रीटमेंट डिजीज़ का, साथ के साथ उसका पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे वो काम कर रही है, कैसे वो पैथोजन हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है, उसकी जानकारी होने से आप डिजीज़ को बहुत ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। पीसीआर, आजकल के दिनों में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एचआईवी का प्रेजेंस का पता लगा रहे हैं एड्स के सस्पेक्टेड पेशेंट्स में, जो एड्स से ग्रसित हो सकते हैं, जो किसी वजह से उसमें एचआईवी है कि नहीं, पीसीआर की सहायता से हम पता लगा सकते हैं। म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन हो गया कि नहीं, ऐसे पेशेंट जिनमें कैंसर की हिस्ट्री चलती चली आ रही है फैमिली में, तो उनमें हम लोग करके पता लगा सकते हैं, पीसीआर करके पता लगा सकते हैं जीन में म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, और कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर में भी इसका काम है। प्रोब क्या होता है, प्रोब इज़ अ पीस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए दैट इज टैग्ड विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड यूज टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बाय हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोब। प्रोब की सहायता से हम लोग
उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है कि नहीं, या स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस या आरएनए सीक्वेंस को स्पेसिमेन में हम टारगेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। एलाइजा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे, ठीक है जी। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टोग्राम क्या होती है, ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक यूजिंग एक्सरे फिल्म टू विजुलाइज मॉलिक्यूल्स और फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव बीन रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, ऐसे मॉलिक्यूल जो रेडियो एक्टिव जिनमें सब्सटेंस है उनकी प्रेजेंस हम पता लगा सकते हैं बाय एक्सपोजिंग टू एक्सरे फिल्म से इंप्रेशन आ जाना, इमेज आ जाना उनकी प्रेजेंस को बताता है, ठीक है जी। ऑटो रेडियोग्राफी हो गया ये। म्यूटेशन जीन्स में म्यूटेशन, फिर से एक बार समझिए, ये जीन है हमारा डीएनए। जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। डीएनए का आप कहिए कि एक फ्रेगमेंट या एक पार्ट या एक टुकड़ा या एक हिस्सा, उसको हम लोग जीन बोल रहे हैं जिसके पास जानकारी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन और फॉर द कंट्रोल ऑफ कैरेक्टर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर कह लीजिए। तो जीन डबल स्ट्रैंड डीएनए, अब इसकी सीक्वेंस आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीन की सीक्वेंस पता है, इस पे AATTCGA है, मानिए ये सीक्वेंस। तो कॉम्प्लीमेंट्री पे आपको सीक्वेंस आप बता सकते हैं, यहाँ पे TTAAGCT होगा, इसके लिए आपने टारगेट बना लिया और इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना लिया जिसमें कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डीएनए जिसमें आप पता लगाना चाहते हैं सीक्वेंस, आप इसका एल्कली डीएनए आइसोलेट करेंगे और उसको एल्कली ट्रीटमेंट करके उसको सिंगल स्ट्रैंड में बदलेंगे, मौका देंगे इसको, इनक्यूबेट करेंगे इसके साथ कि भाई अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है ये वाली, आपने तो इसको टारगेट करते हुए ये बनाई है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस वाला अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इसके अपोजिट आ जाएगा उसके साथ कर लेगा हाइब्रिडाइजेशन और उसको फिर आप ऑटो रेडियोग्राफी करके उसकी प्रेजेंट डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया है तो ये वाली सीक्वेंस जो आपने बनाई है, प्रोब बनाया है, वो तो इस सीक्वेंस के लिए बनाया है ना। म्यूटेशन हो गया तो कोई भी टी की जगह सी आ गया या जी की जगह सी आ गया, कुछ भी हो सकता है म्यूटेशन में। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज और द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज और द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन इज अ सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, सडन अब्रप्ट चेंज, कोई उसका फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है म्यूटेशन हो जाना। तो म्यूटेशन हो गया, म्यूटेटेड जीन है अगर, तो उसकी तो ये सीक्वेंस बदल गई ना, फिर वो एक्चुअल जो ओरिजिनल सीक्वेंस है जीनोम वाली, जीन वाली, वो तो नहीं मिल रही ना, तो फिर ये ऑटो रेडियोग्राफी आप करेंगे इमेज नहीं आएगी जिससे पता लगेगा म्यूटेशन हो गया है, जीन में म्यूटेशन हो गया। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज पॉसिबल बाय PCR और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एलाइजा ANC आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, आपकी बुक में दे रखा प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी इज नॉर्मली सस्पेक्टेड जब सिम्टम्स आ जाएंगे, ओनली वेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम, तब हम लोग कहते हैं कि यार क्या हो गया, कुछ बीमारी हो गई क्या। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी रिक्वायर्ड है, ऑप्शन सी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से, बाकी के क्वेश्चन आप लगा लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी कोई टॉपिक मैं कराता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लिया करिए और उससे रिलेटेड PCQ MCQ और PYQ प्रीवियस ईयर में उससे क्या क्वेश्चन आए उस टॉपिक से उनको लगा लीजिए, तब आपका कमांड टॉपिक पे हो जाएगा और आपको श्योर हो जाएगा कि आपका टॉपिक जो है नीट के लेवल की प्रिपरेशन हो गई है। तो ये टॉपिक छोटा था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। तो आज के लिए इतना, मिलता हूँ अगले किसी लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अगर लेक्चर के अंत तक आ गए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीट 2024 की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।